भाई, क्या आंसर निकल रहा है आपका? 589 अपॉन 24 डिग्री। अब जरा सुनिएगा, जरा बोर्ड पर सबकी तवज्जो होनी चाहिए, बोर्ड पर जरा देखिए। ये देखिए, ये वाला सवाल भी कन्वर्ट हुआ पहले डिग्री में, ये वाला सवाल भी पहले कन्वर्ट हुआ डिग्री में। अब ये डिग्री में तो आ गया, लेकिन हमारा मेजर क्वेश्चन क्या है, डिग्री से कहां पर जाना है? रेडियन में। तो इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में भी, इसको भी और इसको भी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइडेड बाय 180 करेंगे। अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आप इनको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो आपका आंसर खुद ब खुद बताएगा यहां पर 21 और 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 360, यानी 21 डिवाइडेड बाय 360 आपका आंसर आएगा 7π/120 रेडियंस, 7π/120 रेडियंस। ये कन्वर्ट हुआ, कैसे किया हमने जरा देख लो। नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई कराया, ऊपर वालों को, अब ऊपर को 21 पाई से मल्टीप्लाई होगा और फिर डिवाइड करा दे, तो अगर डिवाइड में कैंसिल होगा तो कैलकुलेटर आपका आंसर बता देगा 7π/120। देखिए, मैं पिछले हफ्ते से कह रहा हूं कि आप लोग अपने पास कैलकुलेटर ले रहे हो, अब इंतजार नहीं होगा। ये मैट्रिक नहीं है कि मैं कैलकुलेटर बैग में रखा हूं और सर ने जो कैलकुलेशन लिखवाई है वो सही है। यहां पर कैलकुलेशन आपने अपनी खुद करनी है और कैलकुलेटर उसी वक्त सीखेंगे आप लोग, तो लाजमी हर बच्चे के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छा भाई, अब इसको भी कन्वर्ट करते हैं। जब इसको भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइडेड बाय 180 करेंगे। तो भाई जरा आप नीचे वालों को पहले मल्टीप्लाई कराएं, 24 मल्टीप्लाई बाय 180 जो भी आंसर है 4320, तो जरा 589 को डिवाइड कराए 4320 से, तो 589 डिवाइडेड बाय 4320 आपका आंसर डिवीजन में ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। देखो, कैलकुलेटर आपको फ्रैक्शन में वही आंसर छोड़ दे तो कि उसके बाद आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, इसका मतलब यही आंसर है आपका। लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद आंसर छोटा हो जाए तो उसका मतलब फ्रैक्शन से कैंसिल हो गया, ये किसी भी टेबल से नहीं कैंसिल हो रहा, इस वजह से इसको यहीं पर छोड़ दिया। सही है बेटा, ओके। तो ये देखें, दोनों सवाल आपने देखे, आपने देखा डिग्री को और मिनट्स को और सेकंड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यकीनन इन सवालों को समझने के लिए बोर्ड में ये वाला सवाल आया हुआ है आपके पास, बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। जब मैं आपको पास पेपर दिखाऊंगा तो फिर आपको आइडिया होगा कि भाई बोर्ड में ये सवाल किस तरह आया हो। भाई कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना, दोबारा सुन ले आसिफ और आसिम, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर बनेगा 360, 21 को 360 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7π/120, तो पाई उसके साथ लग जाएगा और आप जानते हैं रेडियन में हमेशा पाई लगा हुआ होता है, 7π/120, ये आपका रेडियंस में एंगल आ गया। सही है बेटा, तो जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें, क्या ये डिग्री की कन्वर्जन रेडियन में, तो बड़ी आसान सी बात थी, तो क्या ये आप तमाम बच्चे इसकी कन्वर्जन समझ चुके हैं कि भाई ये कन्वर्जन कैसे? तो अब मैं आपको अभी क्लास में एक छोटी सी वर्किंग दे रहा हूं, जरा इस वर्किंग को समझ, बल्कि वर्किंग में घर से दूंगा आपको, वर्किंग में घर से दूंगा। अभी मैं आपको एक और कन्वर्जन समझा रहा हूं। कन्वर्जन क्या मतलब? सर अब सवाल ऐसे हो और आपको डिग्री में जाना हो, रेडियन से डिग्री में जाना पड़े, तो मैंने बताया था जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 करते हैं, और जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो फिर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय पाई करते हैं। ये कल हमने कन्वर्जन समझी थी, याद होगा आपको, ये उसी कन्वर्जन से अब हम अगले सवालों को करने जा रहे हैं। जरा जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डिग्री मेजर में जा रहे हैं भाई अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, जैसे पहला सवाल है 2/3
पाई रेडियंस, रेडियंस, ये आपके पास पहला सवाल है जी बेटा। तो जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके सॉल्यूशन के फौरन बाद ये बात लिखना जरूरी है कि वन रेडियन, जिस तरह पहले मैं लिख रहा था वन डिग्री, तो वन रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 1 3 3 6 18, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 260 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 120, 120 डिग्री का भी आंसर 2π/3 निकला था और 2π/3 का आंसर 120 डिग्री निकल रहा है, सही है भाई। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है -π/3 रेडियंस। अब ये जरा देखकर बताओ, ऐसी सोचना, कल मैंने लिखवाया था, जरा सारे बच्चे चैट पर बताएंगे मुझे, पाई बाय थ्री डिग्री में कौन सा एंगल होता है, शाबाश, पाई बाय थ्री कल पढ़ाया था मैंने ये और कल लिखवाया भी था बकायदा तौर पर, शाबाश, बताएंगे अभी चैट पर, देखिएगा जी, शाबाश, आंसर आ रहा है भाई 60 डिग्री, कन्वर्ट भी करके आप देख सकते हैं 60 डिग्री, यानी के -π/3 मल्टीप्लाई हुआ 180/π से, तो पाए से पाए कैंसिल, 3 6 18 -60 डिग्री। अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्या एंगल नेगेटिव हो सकता है, क्या एंगल नेगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन ने भी नेगेटिव दिया हुआ है, आंसर भी यकीनन नेगेटिव निकलेगा, तो क्या एंगल नेगेटिव हो सकता है। तो अब मैं आपको जो बात समझाने जाऊंगा इंशाल्लाह उसके बाद सारी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। देखें, जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी, उल्टे सिमित में, उल्टे सिम में अगर घूमना शुरू करे तब पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। जब एंगल क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करे, यानी घड़ी के सिम में, घड़ी के डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री 90 यहां आएगा, लेकिन वो 90 नहीं कहलाएगा, -90 कहलाएगा। फिर वो यहां पहुंचेगा 180, लेकिन वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, -180 डिग्री। फिर वो मजीद यहां पहुंच गया तो वो क्या बन गया, -270 और यहां आके -360। तो एंगल नेगेटिव होते हैं जब आपकी इनिशियल लाइन, ये वाली लाइन कौन सी लाइन कहलाती है, इनिशियल लाइन, आपका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, तब आपका एंगल नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है, और जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करे तो एंगल पॉजिटिव होता है। तो क्या ये वाली बात क्लियर हो गई आपके, कि नेगेटिव एंगल कैसे हो सकता है और पॉजिटिव एंगल कैसे हो सकता है। अच्छा, ये बातें मैट्रिक में नहीं पढ़ी थी, ये सारी बातें आप जितनी पढ़ रहे हो सब नई बातें, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि फर्स्ट ईयर का लेवल क्या है और मैट्रिक का लेवल क्या है। मैट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं थी, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्ट है वही कहां से आ रहा है आप देख सकते हो, सही है भाई। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं कह सकते, नई बातें सीखने को मिल रही है, और जो फर्स्ट ईयर की मैथ्स में आपको सीखने को मिलेगा उससे आपको बहुत कुछ मैथमेटिक्स में आ जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स। इसलिए मैं सब बच्चों से यही कंफर्म कर रहा था कि भाई साइंस लो, प्री इंजीनियरिंग लो, वही सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो भाई मैंने क्या बोला कि आपका -60 डिग्री एंगल नेगेटिव कैसे हो सकता है, एंगल नेगेटिव जब होगा जब आपका एंगल क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करे, जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपकी एंगल की स्थिति तब्दील हो जाएगी, 90 डिग्री ऊपर आने की जगह नीचे आ जाएगा, -90 डिग्री, -180 डिग्री की पोजीशन वही है लेकिन क्लॉकवाइज की वजह से माइनस में हो गया और 270 की सिम भी चेंज हो जाएगी। अच्छा भाई, अब अगला सवाल है,
अब आप लोग बताएंगे यकीनन ये पॉइंट्स का सवाल है तो आंसर भी पॉइंट्स में ही आना चाहिए। शाबाश, इसका बताओ 1.004 पाई रेडियंस। अब इसको कन्वर्ट करो डिग्री में, ये वाला सवाल आप लोगों से हो जाएगा 0.398 पाई रेडियंस। ये भी सवाल आप लोगों से हो जाएगा। ये सब पॉइंट्स में डिग्रीज आ रहे हैं, पॉइंट्स में रेडियन है तो पॉइंट्स में डिग्री भी होगा, ठीक है। ये दो पहले करके दिखाइए जल्दी से, शाबाश, और इसके आंसर बताइए जल्दी से। दोनों को आराम से आंसर दे रहे भाई, लेकिन एक जरा मुश्किल सवाल है। 1995 में ये सवाल आया था, 1995 में, 1995 पैदा भी नहीं होंगे आप लोग, लेकिन सवाल आया था ये 3/π रेडियंस। और उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ये सवाल बच्चों को तंग करता है। तवज्जो के साथ देखिएगा बोर्ड पर, आपको समझ में आ जाएगा भाई, क्योंकि देखिए अब आप लोगों ने ये दो समझ लिए हैं कि भाई रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो जरा सा इस पर भी तवज्जो रखिएगा कि ये कैसे कन्वर्जन होती है और इसको कैसे समझते हैं, सही है भाई। लेकिन कैलकुलेटर अपने पास लाजमी रखे भाई, हर बच्चे के पास जब से फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी कैलकुलेटर होना चाहिए, ताकि फिर आपको अपनी कैलकुलेशन उसी वक्त समझ में आ जाए, ठीक है भाई। अच्छा अब जरा सुनिए भाई, 3/π। अब अगर मैं बोलूं इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करेंगे इसको अगर हम, तो भाई तरीका तो ये बताया था 180/π से होना चाहिए, और पाए से पाए तो कैंसिल हो ही नहीं रहा। तो अब ये बात समझना, ये सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसकी कन्वर्जन भी आपकी चेंज होकर आती है। जैसे कि इसकी कन्वर्जन कैसे चेंज होगी, इस सवाल के जरिए भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको वैसे चेंज करके बता रहा हूं कि आप जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने यह बताना है कि पाए रेडियंस किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, ऐसा ही है। तो अगर ये 3/π है तो ये 3/180 डिग्री होगा, और 3/π की वैल्यू अब निकल कर आएगी यहां से कि 3 को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 3/π की वैल्यू निकल रही है 1/60 डिग्री। यानी कि अब आपने यहां पर इसको डायरेक्टली नहीं निकाला, डिवाइडेड बाय अपॉन की वजह से निकाला कि अगर ये 3/π है तो 3/180 डिग्री हो सकता है, और 3/180 डिग्री इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको अगर आप चेक करो सर, हम इसको डायरेक्टली अगर बात करें तो बेटा लेट सपोज इसको मैं रेसिप्रोकल करके नीचे ले आऊं तो ऊपर बचेगा 1, और डिनोमिनेटर का रूल भी यही कहता है कि ये 3 ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो पाई बाय 3 का मतलब क्या होगा, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो खुद ब खुद आपको पता चल गया 1/60 डिग्री कैसे हो गया। तो क्या तरीके का है भाई, 3/π, रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है पाई को, 3/π। तो ये 3/π है तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो 180 को इससे डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे करके बताऊं 3/π है नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 5/4 तो 5/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, 1/45 डिग्री बन जाता। तो ये सवाल 1995 में बोर्ड में आया हुआ है और ये सवाल बच्चों को तंग करता है, खास तौर पे अब तो ये सवाल बनकर तो नहीं आ सकता, लेकिन ये MCQs बनकर आ सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिए और इसको भी कर लीजिए, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई अब देखे, दो सवाल आज हमने कर लिए, एक कर लिया डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट और एक कर लिया रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट, दोनों सवाल हो गए। अब जो काम मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं वो आप लोग कल मुझे करके बताएंगे सारे बच्चे, सही है।